मॉर्निंग क्लास क्लास सेवन्थ हिंदी मीडियम कंप्यूटर चैप्टर नंबर सिक्स चल रहा है आपका एमएस पावर पॉइंट। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ये वर्ग जो है आपको समझना भी है और जिसकी इनम लेंथ है वो आपको उतार दे। देखिए पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत किसके अंदर माना है एमएस ऑफिस पैकेज के प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम स्लाइडों पर आधारित प्रस्तुतिकरण सामग्री तैयार करते हैं। यानी जब हमें कोई चीज प्रेजेंट करनी है किसी प्रेजेंटेशन को शो करना है किसी के सामने तब हम यूज करते हैं एमएस पावर पॉइंट। ये कंपनी ने आपको बताई थी एमएस ऑफिस कहाँ की है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है। देखिए बात करते हैं इसके लिए जिस आपकी पूर्ति कीजिए। आपको मैंने बताया है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को तैयार करने में मदद करता है। यानी पावर पॉइंट के द्वारा ही हम किसी प्रस्तुतिकरण को तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो वो भी क्या है एक तरह का प्रस्तुतिकरण है प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ समझाकर बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैकबोर्ड या विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। क्लियर। आप प्रस्तुतिकरण में यानी जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसमें आप शक्ति अनुसार डाटा और चित्र और टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया है इसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है ये हो गया आपका टेक्स्ट या मैंने कोई डायग्राम बनाया या मैंने कोई डाटा लिखा आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या करती है स्लाइड का चुनाव कराती है। यानी आप स्लाइड लेआउट की मदद से जितनी भी आपको स्लाइड चाहिए आप उनको चूज कर सकते हैं आप उनका चयन कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का प्रयोग करने से रंग योजना काफी की जा सकती है और हम साथ साथ इसका प्रयोग बिल्कुल साधारण व्यू देखने के लिए भी करते हैं। और अगर मुझे रंग देखना है कलर डालना है तब भी मैं नॉर्मल व्यू का ही प्रयोग करता हूँ। तो ये सभी जो वर्क है आपको ये सभी उतारना है और आपको याद भी करना है और समय समय पर आपको विद्यालय में कॉपी भेजनी है ऑनलाइन आप भेज सकते हैं चेकिंग कराने के लिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।